आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MSc बॉटनी राजस्थान यूनिवर्सिटी एडवांस फाइटोपैथोलॉजी के पेपर के बारे में। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही देखेंगे कि कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इस पेपर से उठकर आते हैं, और आप उन क्वेश्चनों को किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर करो ताकि आपको अच्छे से स्कोर हो जाए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पहले से ही पता है कि आपको पेपर जो है वो ऑलमोस्ट 60% करना होगा, जिसके लिए आपको तीन यूनिट मैक्सिमम, तीन यूनिट और मिनिमम दो यूनिट जो है वो आपको पेपर में से कवर करनी है। ठीक है, अगर आप तीन यूनिट करके जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 60-70% आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो आप इजीली उनको कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा जो है आपके क्वेश्चन किस तरीके के पुटअप होंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो ये है आपके पास एडवांस फाइटोपैथोलॉजी का पेपर और उसके सिलेबस के रिगार्डिंग इमेज। इस इमेज के अंदर आप देखो तो आपको यहाँ पर ये यूनिट फर्स्ट और ये आपके पास यूनिट सेकेंड के मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसको आपको देख लेना है और अच्छे से अगर आपको देख लेना है और इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हो और आपको इन टॉपिक्स के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आप एग्ज़ाम के अंदर आसानी से कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो उठेंगे वो आपको मैंने यहाँ पर लिखे हुए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ऐसे करके मैंने 9 और 10 क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किए हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको चार या तीन क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैं बात करूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है एग्ज़ाम में, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है तो मैं बताऊँ। पहला क्वेश्चन आपका बनता है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। इस क्वेश्चन में देखो तो आपको ये पूछ रहा है कि हिस्ट्री क्या है और स्कोप क्या है फाइटोपैथोलॉजी का। तो आपको करना क्या है, बस बेसिक सा कॉमन सेंस यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को कर देना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फाइटोपैथोलॉजी लिखना है, और डेफिनेशन फाइटोपैथोलॉजी को लिखने के बाद आपको पैथोजन एंड होस्ट का भी डेफिनेशन दे देना है ताकि उसको आपको उसके लिए आपको आइडिया हो जाए कि आप किन चीज़ों की इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बात करोगे, और हिस्ट्री किसके हिस्ट्री की बात करोगे और किसके आप स्कोप की बात करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बताना है। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है कि आपका जो प्लांट पैथोलॉजी है उसको स्टडी करना कब से स्टार्ट किया गया और कहां से वो चलता आ रहा है, उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेज के अंदर, जो कि आपका प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उनको जाके देख लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट अपने पास इसी में पॉइंट लिखेंगे स्कोप ऑफ फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी, जो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर आपने हिस्ट्री लिखा है तो आपको स्कोप भी बताना होगा। स्कोप का बेसिकली मीन ये होता है कि आपको किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप फाइटोपैथोलॉजी को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, प्लांट पैथोलॉजी को अगर स्टडी कर रहे हो, और इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो आपके स्कोप के अंदर ही कंसिडर होंगे। तो एक कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो डायरेक्टली और आपको अच्छा स्कोर करवाएगा। बेसिकली आपका फाइटोपैथोलॉजी पैथोजन और होस्ट जो है उसके बारे में केवल आपको डेफिनेशन देना है, उसके बाद आपको डिटेल में हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बताना है एंड उसी को डिटेल में स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को बताना है। नेक्स्ट बात करें तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म। ओरिजिन एवोल्यूशन एंड पैरासिटिज्म के अंदर बात करें तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपका पैरासिटिज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है, उसके बाद आपको पैरासिटिज्म का डेफिनेशन देना है, और पैरासिटिज्म के डेफिनेशन के बाद पैरासाइट का डेफिनेशन एंड होस्ट का डेफिनेशन देना है। पैरासिटिज्म की मैं बात करूँ जनरली एक ओवरव्यू आइडिया के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बताना है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है जिससे आपका एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाकर फीड करता है वो आपका पैरासिटिज्म वाला बिहेवियर कहलाता है, जो अपनी ग्रोथ एंड सर्वाइवेबिलिटी के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, इंट्रैक्ट होता है। इसके बाद आपको पैरासिटिज्म के ही करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि पैरासिटिज्म क्यों किया जाता है, पैरासिटिज्म के लिए क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी जो उसको पैरासिटिज्म या पैरासिटिक करेक्टर स्टिक्स देगा। इसके बाद अपन बात करेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म के बारे में, और ये आपको बताना होगा कि आपके एंशियंट टाइम से लेकर, एंशियंट का मतलब प्राचीन ओल्ड टाइम से लेकर अब तक
किस तरीके से आपका पैरासिटिज्म वाला जो जो पैरासिटिज्म है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आप बात करो तो पैरासिटिज्म आपका सेकेंडरी फीडिंग मैकेनिज्म के अंदर कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी फीडिंग मैकेनिज्म के अंदर कंसिडर नहीं होगा। ये भी आपको चीज़ों को देख लेना है। इसके बाद अडेप्टेशन फॉर पैरासिटिज्म की बात करेंगे इसी के नेक्स्ट पॉइंट में। और अडेप्टेशन ऑफ पैरासिटिज्म क्या है, आपका एवोल्यूशनरी पार्ट है जो आपका एक पैरासाइट को अडेप्ट करवाता है ताकि आपका वो उस एनवायरनमेंट के प्रति या फिर उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के प्रति उसके आगे उसके रेफरेंस में वो क्या करें, अपना फीडिंग मैकेनिज्म अपनी सर्वाइवलिटी वाली कंडीशन शो करें। तो ये पैरासिटिज्म के लिए जो अडेप्टेशन करता है वो एक तो होती है अपने पास मॉर्फोलॉजिकल, अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कर रहेगा। इसके अलावा एक होती है उसके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, एक क्या होती है उसके पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो ये पैरासिटिज्म वाले के अंदर ही आएगा। इसके बाद टाइप ऑफ पैरासिटिज्म पढ़ेंगे। टाइप ऑफ पैरासिटिज्म के अंदर आपका एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, आपका डिस्ट्रक्टिव पैरासिटिज्म, बैलेंस पैरासिटिज्म, इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव पैरासिटिज्म है या पैरासाइट है, बैलेंस पैरासाइट है आपके पास, और अपन बात करें फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म या पैरासाइट जो है वो आपके टाइप ऑफ पैरासिटिज्म के अंदर या पैरासाइट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कैटेगरीज ऑफ पैरासिटिज्म की, तो उसके अंदर आपके बायोट्रॉप्स, हेमी बायोट्रॉप्स एंड पर्थोट्रॉप्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा। और उनका डेफिनेशन देके उनके एग्जाम्पल्स आप दे दोगे तो वहाँ से आपका ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, और इस टॉपिक के जो आंसर्स है वो भी आप सिक्वेंशली अरेंज कर दोगे। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका ये 10 या 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, नंबर का जो ये पेपर है, सॉरी पेपर का ये क्वेश्चन जो है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको आंसर्स करने में। ऐसे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 बायोटिक एंड एबायोटिक पैथोजन, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको केवल बायोटिक पैथोजन जो है और एबायोटिक पैथोजन जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और वो किस तरीके के आपका करेक्टरिस्टिक्स शो करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका डिजीज कॉज करता है, वो किस प्रकार के डिजीज करता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि बायोटिक पैथोजन कौन से होते हैं, एबायोटिक पैथोजन कौन से होते हैं, और फिर इसके बाद आपको डिजीज़ के नेम लिखना है और सिम्टम्स का नेम लिखना है। ये आपको इस तरीके से बताने के बाद आपका बायोटिक एंड एबायोटिक पैथोजन जो है या बायोटिक एंड एबायोटिक पैथोजन से जो डिजीज कोज होता है उसके रिगार्डिंग आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी तो आप इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसके उसको जाके देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन एज इट इज बन जाएंगे, जिसके अंदर अपन बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट, होस्ट फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट। अब आपको करना कैसे है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो आप ये देखो कि आपके पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको बताना है डिजीज डेवलपमेंट का डेफिनेशन, डिजीज डेवलपमेंट कहते किसे है। उसके बाद आपको बताना है कि पैथोजन है तो पैथोजन का डेफिनेशन, पैथोजन के बाद आपको पैथोजेनेसिटी बतानी है कि पैथोजेनेसिटी क्या होता है, एंड देन आपको डिजीज ट्रायंगल या क्वाड्रेंगल की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट बता देने हैं। कंपोनेंट बताने के बाद आपको बता देना है कि पैथोजन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपका डिजीज कोज करेगा और उनका किस तरीके से रोल होगा डिजीज डेवलपमेंट के अंदर। इन चीज़ों को बता दोगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो ये पहला एक क्वेश्चन हो गया आपके पास पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट। ऐसे बात करो तो पैथोजेनेसिस एंड इन्फेक्शन वाला क्वेश्चन आपके पास आता है। पैथोजेनेसिस के अंदर आपका कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको पता है पैथोजन करता है, तो आपको सबसे पहले पैथोजन का डेफिनेशन देना है और पैथोजन के पास या फिर आप कहो कि आपका डिजीज कोज करने के लिए क्या होना चाहिए पैथोजन के पास, तो ये इनोकुलम होना चाहिए, इनोकुलम का डेफिनेशन दे देंगे एंड इनोकुलम पोटेंशियल का डेफिनेशन देंगे, एंड देन उसके बाद पैथोजेनेसिस का डेफिनेशन देके आपको स्टेप्स ऑफ पैथोजेनेसिस बता देनी है, जिसमें प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन की स्टेप्स को आप एज इट इज सिक्वेंशली अरेंज करके उसको डिस्क्राइब कर दोगे जो आपके डिटेल नोट्स में ऑलरेडी दी हुई है। इसके बाद आपको इन्फेक्शन जब बताना है तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन आपके पोस्ट पेंट्रेशन की स्टेप के अंदर आएगी, जिसमें आपका पेंट्रेशन जब होता है तो वहाँ से इस्टेब्लिश होगा और इस्टेब्लिशमेंट का रिजल्ट जो है वो आपको इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, और इन्फेक्शन के फॉर्म में अगर देखने को मिल रहा है तो वो आपका पोस्ट पेंट्रेशन की स्टेप को फॉलो करवाएगा। तो आपके पास 2 पॉइंट एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिस, और यही आपका सिलेबस में दिया हुआ है साथ में पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन एंड पैथोजेनेसिस का टॉपिक आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है अगर आप इस तरीके से सीक्वेंस में करते हो, पहले पैथोजन को, फिर इनोकुलम एंड इनोकुलम पोटेंशियल का डेफिनेशन, देन पैथोजेनेसिस का डेफिनेशन देने के बाद इसकी स्टेप्स जो हैं उसको बताइए।
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका राइट शॉर्ट नोट्स या कंप्लीट नोट्स ऑन फाइटोएलर्जिन। फाइटोएलर्जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपके नोट्स में दिया हुआ है उसको आपको एज इट इज कर देना है। इसके अलावा आपका होस्ट फैक्टर एंड डिजीज डेवलपमेंट जो आपका पैथोजन फैक्टर एंड डिजीज डेवलपमेंट से रिलेट कर रहा है, तो आपको करना कैसे है, तो इसके लिए मैं बताऊँ। एक बार वापस से प्रीवियस स्लाइड पर चले, तो यहाँ पर आपको पहले डिजीज डेवलपमेंट बताना है, फिर यहाँ पर पैथोजन की जगह पर बताना है होस्ट, और यहाँ पैथोजेनिसिटी की जगह बताना है आपको ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन बतानी है किसके लिए, आपके होस्ट के लिए, होस्ट फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट के लिए डिजीज डेवलपमेंट का डेफिनेशन, देन होस्ट का डेफिनेशन, देन पैथोजेनिसिटी की जगह ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद आपको डिजीज ट्राइंगल या क्वाड्रेंगल का डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट बताकर आपके होस्ट फैक्टर को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और कौन से फैक्टर आपको डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरीके का वो मैकेनिज्म शो करता है उसको बता देना है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास दो ही चीज़ें हैं कि मतलब डिजीज डेवलपमेंट बताया, फिर आपने पैथोजन की जगह होस्ट का डेफिनेशन दिया, फिर पैथोजेनिसिटी की जगह ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन दिया, और फिर उसके बाद आपके पास जो पॉइंट है डिजीज ट्रायंगल या क्वाड्रेंगल को डिफाइन करके उसके कंपोनेंट बताने के बाद होस्ट के फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर दिया, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सीधा आपके जो एनवायरमेंट के फैक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है, और इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना है, डिजीज डेवलपमेंट का डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको बताना है एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, और फिर इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर के बाद आपको सीधा सा लिख देना है कि डिजीज ट्रायंगल क्या है, और डिजीज ट्रायंगल के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर को डिटेल में डिस्क्राइब करके वो कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज को कोज करवाएंगे, ये आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, ये आपको जो नोट्स में प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज कर देना है कंप्लीट। इसमें कोई आपको अलग से सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है, आप पहले चाहे ससेप्टिबिलिटी को कर दो, चाहे रेजिस्टेंस को कर दो, या रेजिस्टेंस को पहले कर दो, ससेप्टिबिलिटी को बाद में कर दो। और ये ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस जो है वो किसकी होगी, आपके होस्ट की होगी अगेंस्ट दी पैथोजन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका प्लांट डिजीज फॉरकास्टिंग के ऊपर आता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले डिफाइन एफिफाइटोटिक बताना है, एफिफाइटोटिक क्या होता है। इसके बाद आपको फोरकास्टिंग का डेफिनेशन देना है, फोरकास्टिंग का डेफिनेशन देने के बाद आपको रीजन ऑफ फोरकास्टिंग बताना है कि क्या रीजन है जिससे आप, जिसके लिए आप फोरकास्टिंग मैकेनिज्म को शो कर पढ़ते हो या आप फोरकास्ट का यूज करते हो, एंड देन इसके बाद वो किस तरीके से सर्वाइव करता है इसके बारे में ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और यहाँ से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको दूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और कैसी कैसी आपके पास टर्मिनोलॉजी है जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आपके इस वीडियो में समझ में आया होगा कि मैं जो क्वेश्चंस है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसको आपको लिखने का पैटर्न और आप किस तरीके से लिखो ताकि आपको अच्छा स्कोर हो जाए उसके रिगार्डिंग मैंने आपको इसमें बता दिया है। ऐसे आगे और भी वीडियोज अपलोड होते रहेंगे फाइटोपैथोलॉजी के रेफरेंस में, तो बने रहिए इस चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।